ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवैध शराब की तस्करी के मामले में एक नया मोड़ देखने को मिला। पुलिस ने रात को ऊना संतोषगढ़ रोड पर शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नाका लगाया हुआ था। तभी एक कार को चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने जब कार्यवाही करनी शुरू की तभी उन्होंने फोन करके दो और गाड़ियों को बुलाया जिसमें काफी लोग सवार थे और उनमें एक गाड़ी सदर ऊना के विधायक सतपाल रायजादा की गाड़ी थी जिसमें उनके PSO व एक अन्य आदमी सवार था। इन सभी ने वहां पर पुलिस की SIU टीम पर हमला किया। ऊना में अवैध शराब के तस्करी के मामले में देर रात को एक नया मोड़ देखने को मिला है। पुलिस ने रात को ऊना संतोषगढ़ रोड पर शराब की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नाका लगाया हुआ था तभी एक कार की चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें भारी मात्रा में शराब मिली। पुलिस ने जब कार्रवाई करनी शुरू की तो उन्होंने फोन करके दो और गाड़ियों को बुलाया जिसमें काफी लोग सवार थे। उनमें एक गाड़ी सदर ऊना के विधायक सतपाल रायजादा की थी जिसमें उनके PSO वो एक अन्य आदमी सवार थे। इन सभी ने वहां पर पुलिस की SIU टीम पर हमला किया और उनकी बुरी तरह से पिटाई की। एक दर्जन के करीब लोगों ने पुलिस की SIU टीम को काफी बुरी तरह से पीटा और मौके से पकड़ी गई शराब को तोड़ डाला। वहीं मौके से बाकी सारे लोग भागे लेकिन कांग्रेस के सदर ऊना से विधायक सतपाल रायजादा के PSO वहीं पर थे। पुलिस ने शराब की गाड़ी और हमला करने आए लोगों की आल्टो कार को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने सदर की विधायक की गाड़ी को भी मौके से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस अब ये नहीं बता रही कि मौके पर गाड़ी में सदर के विधायक सतपाल रायजादा मौजूद थे या नहीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस आई थी और उनकी पिटाई की मारपीट हुई यहाँ पर, क्या पूरा मामला और क्या कार्रवाई इसमें की जा रही है? देखिए पुलिस जिला पुलिस ऊना जो है वो नशे के खिलाफ पहले से अभियान छेड़ चुकी है। इसी कड़ी में पुलिस काफी समय से जो सनोली और मजारा और जो संतोषगढ़ के इलाके में इलीगल दारू की स्मगलिंग कर रहे थे उसको पुलिस ने आज एक जगह ट्रैप किया है। पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो उसने समहाउ कोई कॉन्टैक्ट करके किन्हीं और लोगों को यहाँ पे बुलाया और दो गाड़ियाँ जो है वो व्हीकल्स और आए जिसमें से एक गाड़ी जो वो माननीय विधायक सदर ऊना के जो उनकी गाड़ी थी उसमें उनका PSO और ड्राइवर शामिल था और उन्होंने हमारे SIU के दो लड़के जिन्होंने इसको ट्रैप किया शराब के साथ उनके साथ मारपिटाई की है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और इनका मेडिकल करवाया गया है। तो सर क्या ऐसा भी है कि विधायक भी गाड़ी में मौजूद थे? देखिए अभी तक तो क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अभी तक तो ये सामने नहीं आया लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आगे हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल हैं। सर शराब कितनी बड़ी मात्रा में पकड़ी है? अभी एक गाड़ी से हमने 11 के करीब शराब की पेटियां पकड़ी हैं और कुछ और लोग भी जो इस वारदात में शामिल हैं वो एब्सकॉन्डिंग हैं, उनकी भी पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में जांच करेगी। सर मौके पर शराब को डिस्ट्रॉय करने का भी जो प्रयास किया गया? हाँ जी, कुछ एक पेटियां जो हैं वो क्योंकि दो चार लोग और आ गए थे और हमारे लड़के जो कम थे तो इन्होंने शराब को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है जिसके ट्रेसेस भी यहाँ मौजूद हैं और पुलिस ने तकरीबन 11 पेटियां जो भी सीज की हैं। सर डिस्ट्रॉय करने में क्या जो माननीय विधायक थे उनके PSO और ड्राइवर भी शामिल थे? देखिए अभी तो अभी हम FIR दे रहे हैं, अभी तो शुरुआती जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम उस आधार पर कार्रवाई करेंगे आगे। थैंक यू।